मैं जरा बाहर जाता हूँ और तुम्हें तुम्हारा मामला समझाता हूँ। मेहदी अलवी हैरान और परेशान था, चुपचाप उस खिड़की के सामने आन खड़ा हुआ। उस खिड़की के सामने बाहर की तरफ अब्दुल मलिक बिन अताश ने उन सारे दस्तों को ला खड़ा किया जो मेहदी अलवी की जाती हिफाजत पर मामूर थे। फिर खिड़की के करीब आया और मुहाफिज दस्ते के लश्करियों को मुखातिब करते हुए कहने लगा, अगर मैं तुमसे ये सवाल करूं कि तुम मेहदी अलवी या शेख हसन बिन सबा में से एक का इंतखाब करो और एक का खात्मा कर दो तो तुम किसके हक में जाओगे और किसके मुखालिफ हो जाओगे? इस पर उन सब लोगों ने अपने चमकते हुए खंजर निकाल लिए और कहने लगे, हम हर मामले में शेख हसन बिन सबा का साथ देंगे। ये सूरत हाल मेहदी अलवी के लिए बड़ी खौफनाक और हौसला शिकन थी। बेचारे की गर्दन झुक गई थी। अब्दुल मलिक बिन अताश ने मुहाफिज दस्ते के उन लश्करियों को मुंतशर कर दिया। दोबारा उस कमरे में आया। मेहदी अलवी गर्दन झुकाए खिड़की के पास खड़ा था। उसे हाथ से पकड़कर अब्दुल मलिक बिन अताश कमरे के वस्त में लाया और कहने लगा, मेहदी अलवी अभी तक तुम शेख हसन बिन सबा की ताकत और कुव्वत से वाकिफ नहीं हो। वो न सिर्फ जाहिरी ताकत रखता है बल्कि उसकी बातनी कुव्वत है जो नाकाबिले तस्खीर है। मगर जो तहरीर लिखी गई है उसकी पासदारी न करोगे, शेख के सामने हुज्जत और दलाइल पेश करोगे और उसकी बात नहीं मानोगे तो याद रखना अपनी जिंदगी को खतरात में डाल दोगे। मैं एक भाई की हैसियत से तुम्हें अच्छा सूदमंद मशवरा दूंगा कि अभी से मेरे साथ शेख के पास जाओ, उससे माजरत करो कि जो थोड़ी देर पहले वहां बैठ के तुमने बहस की है उसमें तुम्हारी गलती है। शेख के सामने जाकर यह भी तस्लीम कर लो कि यह पूरा कला अब शेख का है, उसकी मिल्कियत है, वो जिसको चाहे कले में रखे, जिसको चाहे निकाल दे। देखो अगर ऐसा नहीं करोगे तो जहां भी जाओगे तुम्हारी जान महफूज नहीं होगी। अगर शेख को खुश करके जहां भी जाना चाहोगे तुम महफूज रहोगे, अपनी मर्जी अपनी मंशा के मुताबिक जिंदगी बसर करोगे। मेरे ख्याल में तुम शशोपंज में पड़ गए हो। आओ मेरे साथ, जो कुछ मैंने कहा है यही जाकर शेख से कह दो, इसी में तुम्हारी बेहतरी तुम्हारी भलाई है। मेहदी अलवी चुपचाप अब्दुल मलिक बिन अताश के साथ हो लिया। बाजू से पकड़कर इब्ने अताश ने दोबारा उसे हसन बिन सबा के सामने ला बिठाया। मेहदी अलवी ने एक निगाह अपने इर्द गिर्द डाली। सब लोग खूंखार निगाहों से उसकी तरफ देख रहे थे और उनके हाथों में चमकते हुए खंजर थे। ये सूरत हाल मेहदी अलवी को खौफजदा करने के लिए काफी से भी ज्यादा थी। कुछ सोचा फिर हसन बिन सबा को मुखातिब करके कहने लगा, शेख मुझसे गलती हुई जो मैंने आपसे बहस की, आपका फैसला मेरे लिए आखिरी है। जो तहरीर मेरे और आपके दरमियान हुई है इसके मुताबिक अब आप इस किले के मालिक हैं, मेरा इससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। अब बोले मेरे लिए क्या हुक्म है। मेहदी अलवी का ये जवाब सुनकर हसन बिन सबा खुश हो गया। दो तीन बार उसका शाना थपथपाया और कहने लगा, मेहदी अलवी तुम बड़े काम के और इंतहाई मुखलिस आदमी हो। देखो मैं किसी भी सूरत में तुम्हारी जान के दर पे तो नहीं होना चाहता, लेकिन मैं ये भी नहीं पसंद करता कि कोई मुझसे मुआहदा करे और फिर उस मुआहदे की पासदारी ना करे। अब जबकि तुम तस्लीम कर चुके हो कि मैं इस कले का मालिक हूँ, तो मैं इस मौके पर तुम्हें एक बड़ी अच्छी नसीहत करूंगा और वो ये है कि तुम इस कले को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओ। मैं तुम्हें यह नहीं कहूंगा कि तुम इस कले में हरगिज ना रहो, लेकिन तुम्हारा यहाँ रहना तुम्हारी अपनी जान और जिंदगी के लिए खतरनाक है। मेहदी अलवी अगर तुम यहाँ रहते हो तो मेरे अकीदतमंदों के जहन में यही बात रहेगी कि कले के पहले मालिक तुम हो और अब कले का मालिक मैं हूँ। वो ये भी कहेंगे कि मैं किसी भी वक्त इस कले की मिल्कियत की खातिर मेरे और तुम्हारे दरमियान तकरार हो जाए, दंगा फसाद खड़ा हो जाए। ऐसी सूरत में मेरे अकीदतमंद किसी भी सूरत में ये नहीं पसंद करेंगे कि तुम यहाँ रहो। अगर तुम यहाँ रहोगे तो मेरे अकीदतमंद इस पर तुम्हारा खात्मा कर देंगे ताकि इस कले की मिल्कियत का कोई और दावेदार यहाँ न रहे। बोलो तुम क्या कहते हो। मेरी इस मुखलिसाना नसीहत के बावजूद अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा, और अगर तुम इस कले को छोड़ने पर आमादा हो जाते हो तो मैं तुमसे ये कहता हूँ कि पुरसकून रहने के लिए बहुत सी जगह हैं, इसका इंतज़ाम मेरा दाई कबीर इब्ने अताश कर देगा। तुम चाहो तो हमस जा सकते हो, वहाँ का वाली इब्ने मुलाहब हमारा अपना आदमी है। अगर वहाँ ना जाना चाहो तो त्राबलुस जा सकते हो, वहाँ भी हमारा बातनी हाकिम है। इसके अलावा अनामिया, उर्फा और आसपास के शहर हैं, उनमें भी तुम ना रहना चाहो तो यमन चले जाओ, वो भी हमारे बातनी आदमी हैं। मगर एक बात अपने जहन में रखना, किसी भी सूरत में सलजोकियों के सुल्तान मलिक शाह सलजोकी या उसके किसी नामवर सालार के पास मत जाना, ना ही उसके पास हमारी शिकायत और नालिश करना। इसके अलावा तुम जहाँ चाहे चले जाओ, तुम्हारी मर्जी है। जिन शहरों का मैंने जिक्र किया है अगर वहाँ जाना चाहो तो तुम्हारी रिहाइश का उम्दा इंतजाम किया जाएगा। अगर तुम अपनी मर्जी से कहीं जाना चाहो तो तब भी हम मुजाहिमत नहीं करेंगे, लेकिन एक बात मैं फिर ताकीदन कहता हूँ कि तुम्हारे इस कले से निकलने की वारदात की खबर या शिकायत किसी भी सूरत सलजोकियों के सुल्तान के पास नहीं पहुँचनी चाहिए। इसके अलावा तुम जो करते फिरो मुझे कोई परवाह नहीं,
मेहदी अलवी उदास और अफसरदा हो गया था। कुछ सोचा फिर कहने लगा, शेख जिन शहरों का आपने जिक्र किया है इनमें से किसी में भी नहीं जाना चाहता। रहा सवाल सलजोकियों के सुल्तान मलिक शाह सलजोकी का, तो उनके साथ मेरा कोई लेन देन नहीं है, ना ही कभी मैं उनके यहाँ गया हूँ। आप मुतमईन रहें, मैं किसी के पास कोई नालिश लेकर नहीं जाऊँगा। मैं अभी इसी वक्त कले से निकल जाना चाहता हूँ और मेरे कुछ जानने वाले हैं, उनके पास जाके मैं बाकी मांदा जिंदगी उजलत नशीनी और गोशागिरी में गुजारना चाहता हूँ। बस यही मेरी आरजू है। मेहदी अलवी का जवाब सुनकर हसन बिन सबा खुश हो गया था और फिर उसी वक्त मेहदी अलवी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, अपना ज़रूरी सामान और बोरिया बिस्तर समेटा और हमेशा के लिए कलतुल मौत से निकल गया। रात गहरी होती जा रही थी। चांद और सितारों की ताबनाकी और दरख्शंदगी धुंध की तरह छा जाने वाले अंधेरों के साथ बरसरे पैकार थी। साफ आसमान पर रात की गहरी खामोशी में चांद इस तरह चुप और खामोश था जैसे खमीदा कमर बूढ़ा सर झुकाए न जाने जिंदगी के कौन से गुमशुदा जवाहर की तलाश में हो। ऐसे में समरकंद का हाकिम अबू ताहिर ख्वारज़मी अपनी रिहायशगाह में इशा की नमाज पढ़ने के बाद दाखिल हुआ। अभी वो सदर दरवाजे को जंजीर लगाकर थोड़ा पीछे हटा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अबू ताहिर मुड़कर दरवाजे पर आया। दरवाजा खोलने से पहले उसने हल्की सी आवाज में पूछा, कौन है? बाहर से राजदाराना सी आवाज सुनाई थी। अबू ताहिर दरवाजा खोलो, मैं अंज हूँ। अबू ताहिर ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही समरकंद में लश्करियों का सालार आला अमीर अंज दाखिल हुआ। उसे देखते ही अबू ताहिर किसी कदर फिक्रमंद हो गया। ताहम दरवाजा उसने बंद किया। वहीं खड़े खड़े उसने पूछ लिया, अंज मेरे भाई खैरियत तो है? अंज संजीदा था, कहने लगा, पहले चलकर दीवान खाने में बैठते हैं, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त मैंने आपको क्यों जहमत दी। दोनों आगे चल दिए, दीवान खाने में जाकर बैठे। फिर अबू ताहिर ने अंज को मुखातिब किया, अब कहो मेरे भाई क्या बात है, तुम्हारा इस वक्त आना किसी इल्लत की वजह के बगैर नहीं है। अमीर अंज ने कुछ सोचा फिर कहने लगा, अबू ताहिर मैं पहले भी दो बार तुम्हारे पास हकलिया तंजीम के सरबरा ऐनुद्दौला की शिकायत कर चुका हूँ, लेकिन मेरी इन शिकायत का कोई इजाला नहीं हुआ। अब ऐनुद्दौला अपनी हदूद से बाहर होकर फैलना शुरू हो गया है। उसका खबसे बातें इस कदर बढ़ गया है कि उसी ने लश्कर के अंदर भी एक दूसरे के खिलाफ नफरत के अंगारे अनाद के तूफान खड़े करने शुरू कर दिए हैं। अबू ताहिर ये ऐनुद्दौला और उसकी तंजीम के लोग जहर में बुझे हुए खंजर और अलम अंगेजियों की चमकती हुई खूनी अन्नियों से भी ज्यादा हौलनाक और खौफनाक हैं। इनकी ओबाशी और अय्याशी के सामने किसी की इस्मत और इज्जत महफूज नहीं है। अगर इनका बंदोबस्त ना किया गया तो अबू ताहिर याद रखना, ये खशूनत आमेज जुल्मत की परछाइयां बनकर समरकंद के चप्पे चप्पे पर फैल जाएंगे। अंज के इन अल्फाज पर अबू ताहिर थोड़ी देर तक गर्दन झुकाकर सोचता रहा, फिक्रमंद और परेशान हो गया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने गर्दन सीधी करते हुए अंज की तरफ देखा और उसको मुखातिब करके कहने लगा, अंज जो कुछ तुम कहते हो दुरुस्त है, मैं इसे तस्लीम करता हूँ कि तुम तीसरी बार ऐनुद्दौला की शिकायत लेकर मेरे पास आए हो, लेकिन ये मत कहना कि मैंने इसका कोई इजाला नहीं किया। जो कुछ मैं कर सकता था वो मैंने कर दिया, लेकिन लगता है हालात मेरी गिरफ्त से बाहर होते जा रहे हैं। मगर ये तो कहो कि आज कोई नया मामला उठ खड़ा हुआ है। अंज कुछ देर खामोश रहकर सोचता रहा, फिर कहने लगा, अबू ताहिर लगता है समरकंद शहर आतिश खून के शोलों की तरफ बढ़ रहा है। हुआ यूं है कि आज मगरिब की नमाज के बाद हकलिया तंजीम का सरबरा ऐनुद्दौला और उसका नायब गाजान दोनों मेरे पास आए और उन्होंने इतनी जुर्रत और जसारत से काम लेते हुए मुझे अपनी तंजीम हकलिया में शामिल होने का मशवरा दिया। अबू ताहिर मैं एक बार पहले भी तुम पर इंकशाफ कर चुका हूँ कि ये ऐनुद्दौला और इसका नायब गाजान हरबी दोनों समरकंद के लश्करियों के अंदर फूट डाल रहे हैं और लश्कर के एक बड़े हिस्से को उन्होंने अपनी तंजीम का हमनवा बना लिया है। अब मैं तुम पर यह नया इंकशाफ करूं कि समरकंद में शहर के दिफा के लिए जिस कदर लश्कर हमारे पास है उससे कहीं बड़ा लश्कर ऐनुद्दौला की हकलिया तंजीम का है। फिर सबसे बड़ी बात और बुरी बात जो हो रही है वो ये कि हमारे लश्कर के अंदर भी बगावत सरकशी के आसार पैदा होना शुरू हो गए हैं। लश्कर के अक्सर छोटे सालार जिनका ताल्लुक हकलिया तंजीम से रह चुका है वो मेरा कहा मानने से इनकार करते हैं और उनमें से अक्सर तो मुझे आंखें दिखाने लगे हैं। ऐसी सूरत में मैं अपने फराइज कैसे सरंजाम दे सकता हूँ? मेरी बड़ी बदकिस्मती के समरकंद में रह गया। तुम जानते हो कि समरकंद का हाकिम शहाबुद्दीन था और अमीर अरसलान यहाँ समरकंद के लश्करियों की तरबियत के लिए निशापुर से आए हुए थे, तो मैं अमीर अरसलान के नायब की हैसियत से समरकंद में काम करता रहा हूँ। शहाबुद्दीन ने जब अरसलान को सुल्तान के खिलाफ बगावत पर उकसाया और किसी न किसी तरह अरसलान निशापुर की तरफ भाग गया तो मुझसे गलती हुई कि मैं समरकंद के अंदर ही रूपोश हो गया। मुझे चाहिए था कि अमीर अरसलान के साथ ही समरकंद से निशापुर से भाग जाता। इस शहर की बदकिस्मती के बगावत पर बगावत खड़ी हो रही है। शहाबुद्दीन के बाद अहमद खान बगावत कर चुका है।
अहमद खान के बाद अब फिर समरकंद के अंदर बगावत के शोले बड़ी तेजी से बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। समरकंद का जो दिफाई लश्कर है उसकी आधी से ज्यादा तादाद हकलिया तंजीम के वाम नवा बन चुकी है। अब अबू ताहिर तुम ही बताओ मैं कैसे अहसन तरीके से अपना काम अंजाम दे सकता हूँ। समरकंद की शहरपनाह के दरवाजों पर जो हर रोज मुहाफिज मुकर्रर किए जाते हैं और तब्दील होते हैं वो भी अब ऐनुद्दौला और गाजान हरबी के मशवरे से बनते हैं। मेरा उन पर भी बस नहीं चलता, इसलिए अगर मैंने ऐनुद्दौला और गाजान हरबी के खिलाफ कोई कदम उठाने की कोशिश की तो याद रखना लश्कर के अंदर बगावत हो जाएगी, और लश्कर के अंदर बगावत खड़ी हुई तो लश्कर का आधे से ज्यादा हिस्सा ऐनुद्दौला और गाजान हरबी के साथ मिल जाएगा। जो थोड़े बहुत बचेंगे वो भी खौफजदा होकर हकलिया तंजीम में शामिल हो जाएंगे। इस तरह शहर में हमारी क्या वक़्त, हमारी क्या हैसियत रह जाएगी। बल्कि अबू ताहिर मैं तुम्हें पहले से भी ये तंबीह के तौर पर बता देता हूँ कि आज नहीं तो कल इस ऐनुद्दौला और गाजान हरबी के हाथ हम दोनों के गरीबान तक पहुँचेंगे। जहाँ तक मैं जान सका हूँ समरकंद के सिलसिले में ऐनुल मुल्क और गाजान हरबी के दरमियान साजबाज हो चुकी है। ऐनुद्दौला समरकंद के हाकिम और गाजान हरबी लश्करियों का सिपा सालार बनने के ख्वाब देख रहे हैं। ऐसी सूरत में वो तुम्हें और मुझे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंज खामोश हो गया। हाकिम समरकंद अबू ताहिर फिर गर्दन झुकाकर कुछ देर सोचता रहा, फिर फैसला कुन अंदाज में कहने लगा, अंज मेरे भाई तुम्हारा कहना दुरुस्त है। लगता है मैं और तुम दोनों ही समरकंद में बेबस और लाचार होते जा रहे हैं। मैंने एक फैसला किया है कि कल दिन के वक्त मैं ऐनुद्दौला और गाजान हरबी दोनों को बुलाऊंगा और समझाऊंगा कि लश्कर के अंदर तंजीम का दायरा कार न फैलाएं, अपनी तंजीम को अपनी गिरफ्त में रखें और वो लश्करी मामलात में दखल अंदाजी न करें। साथ ही उन्हें ये भी कहूंगा कि लश्कर में मेरे और अंज के अहकाम जारी उसारी रहने चाहिए और हकलिया तंजीम का कोई भी फर्द इनमें दखल अंदाजी न करे। अंज मेरे भाई मामला भी यूं है कि अगर ऐनुद्दौला और गाजान हरबी दोनों मेरी इस नसीहत को मान लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि दोनों मिलकर समरकंद के हालात को दुरुस्त करने में कामयाब हो जाएंगे, और अगर मैं ऐनुद्दौला और गाजान हरबी को कायल करने में नाकाम रहा तो फिर मैं आखिरी कदम उठाऊंगा। चौंकने के अंदाज में अंज ने अबू ताहिर की तरफ देखा, फिर बड़ी बेचैनी में पूछा, क्या आखिरी कदम? भाई अगर ऐनुद्दौला और गाजान हरबी ने समरकंद के पूरे लश्कर को ही अपनी तंजीम में शामिल करने का अमल जारी रखा तो फिर मैं समरकंद की हाकमियत छोड़कर चुपचाप ख्वारज़्म की तरफ रवाना हो जाऊंगा। बाकी जिंदगी अपने आबाई कस्बे में उजलत नशीनी और इबादत में गुजार दूंगा। मेरे भाई तुम किसी को बताए बगैर ऐसा करना। समरकंद से सुल्तान मलिक शाह सुल्जोकी की तरफ जाना, उसको पूरे हालात से आगाह करना। इस बार सुल्तान को चाहिए कि शहर के अंदर जिस कदर बागी हैं उनको कुचल के रख दे। माजी में सुल्तान बड़ी रहमदिली और बड़ी नरमी से काम लेता रहा है। जो अनासिर भी शहर के अंदर बगावत खड़ी करते रहे हैं सुल्तान उन्हें मुआफ करता रहा है। अगर हालात यही रुख इख्तियार किए रहे तो फिर तुम समरकंद से निकलकर सुल्तान की तरफ जाओ तो फिर मेरी तरफ से भी उनको पैगाम देना कि इस बार अगर वो समरकंद का रुख करें तो समरकंद के अंदर जिस कदर बागी हैं उन सब का खात्मा किए बगैर यहाँ से ना जाएं। अबू ताहिर जब खामोश हुआ तो अंजल बोल पड़ा, अबू ताहिर तुम मुझे तो सुल्तान की तरफ जाने का मशवरा देते हो, तुम खुद मेरे साथ क्यों नहीं जाते? अबू ताहिर के चेहरे पर तलख सी मुस्कुराहट नमूदार हुई, कहने लगा, नहीं अंज मेरे भाई मैं ऐसा नहीं करूंगा। सुल्तान की तरफ तुम अकेले ही जाओगे, मैं ख्वारज़्म का रुख करूंगा। अगर हम दोनों सुल्तान की तरफ हैं और सुल्तान बगावत फरू करने के लिए समरकंद पर लश्कर कशी करता है तो मुझे यूं यकीन है कि सुल्तान हर बागी को कुचल के रख देगा। बगावत को कुचलने के बाद मैं जानता हूं सुल्तान एक बार फिर मुझे समरकंद का वाली बनाएगा और मैं ये हाकमियत नहीं चाहता। ये शहर बहुत खतरनाक है, आए रोज बगावतें और नई तंजीमें उठती रहती हैं। तुम जानते हो मैं हरबो जरब का कोई इतना माहिर नहीं हूं, तुम एक तेगजन हो, जंग का वसी तजर्बा रखते हो, अमीर अरसलान के नायब की हैसियत से काम करते रहे हो। मेरे ख्वारज़्म की तरफ चले जाने के बाद अगर तुम सुल्तान का रुख करते हो तो सुल्तान इस बगावत को फुरू करता है तो मुझे पक्की उम्मीद है कि सुल्तान तुम्हें शहर का हाकिम मुकर्रर कर देगा, और मैं ये भी उम्मीद रखता हूँ कि अगर तुम्हें समरकंद का हाकिम मुकर्रर किया जाता है तो फिर तुम एक अच्छे मुंतजिम होने की हैसियत से आइंदा शहर के अंदर ना किसी तंजीम को फलने फूलने दोगे ना किसी बगावत को जन्म लेने दोगे। बस यही मेरा इरादा है और यही मेरा आखिरी फैसला है। बस एक बार मुझे ऐनुद्दौला और गाजान हरबी से बात कर लेने दो, इसके बाद जो फैसला होगा और उस पर अमल किया जाएगा। अमीर अंज अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ, कहने लगा, अबू ताहिर मैं तुम्हारी इस तजवीज़ से इत्तफाक करता हूँ, इसलिए कि अगर ऐनुद्दौला और गाजान हरबी तुम्हारी बात नहीं मानते तो फिर तुम्हारा और मेरा समरकंद में रहना बेफायदा ही नहीं बल्कि इंतहाई खतरनाक भी है। अब मुझे इजाज़त दो, मैं जाता हूँ। कल जब ऐनुद्दौला और गाजान हरबी से तुम्हारी बात हो तो इसकी इत्तला मुझे किसी आदमी के जरिए कर देना, मैं लश्करगाह में ही रहूँगा। मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा इसलिए कि इस तरह ऐनुद्दौला और गाजान हरबी हमारे मुतालिक मजीद मशकूक हो जाएंगे।
मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, इसलिए मैं आज रात ही सुल्तान की तरफ जाने के लिए अपनी तैयारियां मुकम्मल कर लूंगा। अबू ताहिर ने उससे इत्तफाक किया, फिर अमीर अंज वहां से निकल गया था। अगले रोज समरकंद के वाली अबू ताहिर ने हकलिया तंजीम के सरबरा ऐनुद्दौला और उसके नायब गाजान हरबी को बुलाया। वो दोनों जब उसके यहाँ आए तो उनके साथ उसके कुछ मुहाफिज और मुसल्ला जवान भी थे। दोनों को अबू ताहिर ने अपनी हवेली की नशिस्तगाह में बिठाया। दोनों के मुसल्ला जवान हवेली के इर्द गिर्द और नशिस्तगाह के अतराफ में भी फैल गए थे। गुफ्तगू का आगाज अबू ताहिर ने किया और ऐनुद्दौला की तरफ देखते हुए कहने लगा, ऐनुद्दौला, हकलिया तंजीम के सरबरा की हैसियत से तुम और समरकंद के वाली की हैसियत से मैं भी जानता हूँ कि समरकंद के हालात बड़ी तेजी से खराब होते जा रहे हैं। मैंने पहले भी दो बार तुम्हें बुलाकर समझाया था, अपनी तंजीम को एक हदूद के अंदर रखो, लेकिन तुम हो कि मेरी बात मानने पर तैयार ही नहीं हो। अब गुज़श्ता शब लश्करियों का सालार आला अमीर अंज मेरे पास आया था। वो अपने ओहदे से दस्तबरदार होना चाहता है। उसका कहना है कि अब उसके लश्कर में उसकी कोई सुनवाई ही नहीं है और मामला यहाँ तक बढ़ गया है कि अब लोग उसे हकलिया तंजीम में शामिल होने की बाकायदा दावत दे रहे हैं। उसके मातहत काम करने वाले लश्करी और सालार उसको आंखें दिखाते हैं। अब तुम ही बताओ, ऐसे हालात में क्या समरकंद का नज्म व नसक बरकरार रह सकता है? अबू ताहिर जब खामोश हुआ तो बड़ी डिटाई और बेगैरती का मुजाहरा करते हुए ऐनुद्दौला कहने लगा, अबू ताहिर, अमीर अंज ने अच्छा किया कि वो तुम्हारे पास आया। मैं और हरबी दोनों ने अपनी तंजीम में शामिल होने की उसे दावत दी थी, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। हमने उसी वक्त उस पर वाज़े कर दिया था कि अगर वो हमारी तंजीम में शामिल नहीं होता तो फिर ये ओहदा छोड़ जाए, कहीं चला जाए, हम उसे कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जहां तक हमारी तंजीम का ताल्लुक है तो वो अब पूरे शहर में फैल चुकी है। समरकंद शहर का जो मुहाफिज लश्कर है वो पूरी तरह से पूरे का पूरा हमारी तंजीम पर मुश्तमिल है। अब बाकी क्या रहता है? रही बात लश्करियों और सालारों के आंखें दिखाने की, तो जब तक अंज का ताल्लुक तंजीम से नहीं होगा तो लश्करी और सालार उसे आंखें तो दिखाएंगे। वो आज हमारी तंजीम में शामिल हो जाए, फिर देखना कैसे सालार और लश्करी उसकी फरमाबरदारी करते हैं, हम दोनों उसका कैसे कहा मानते हैं। अबू ताहिर के चेहरे पर दूर दूर तक अफसरदगी और परेशानी फैल गई थी। कुछ सोचा और फिर कहने लगा, इसका मतलब है तुम दोनों शहर के हालात खराब करने पर तुल गए हो। तेज निगाहों से ऐनुद्दौला ने अबू ताहिर की तरफ देखा, फिर पूछ लिया, कौन शहर के हालात खराब करेगा? अबू ताहिर किसी कदर धीमे लहजे में कहने लगा, ऐनुद्दौला, मैं आखिरी बार तुम्हें समझाता हूँ, अपनी तंजीम को एक तरफ रखो, समरकंद के मुहाफिज लश्कर के अंदर दखल अंदाजी ना करो। अगर तुम मेरी बात मानते हो तो हालात ठीक हो जाएंगे, अगर नहीं मानते तो मैंने तहिया कर रखा है कि मैं समरकंद की इमारत से अलहदा होकर वापस चला जाऊंगा। इसके बाद शहर में जो तुम्हारा जी चाहे करते रहना। अबू ताहिर के इन अल्फाज पर ऐनुद्दौला के चेहरे पर मुसर्रत की लहरें बिखर गई थीं। कहने लगा, अगर तुम समरकंद की इमारत से अलहदा होकर ख्वारज़म जाने का फैसला कर चुके हो तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, शानदार तरीके से तुम्हें अलविदा कहेंगे। इसके बाद शहर का दिफा हम अपने हाथ में ले लेंगे। अबू ताहिर ने खा जाने वाले अंदाज में ऐनुद्दौला की तरफ देखा, फिर कहने लगा, जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? मैं और अंज दोनों जब शहर से निकल जाएंगे तो याद रखना, शहर किसी आतिशफशां की सूरत इख्तियार करेगा, जो ऐसा फटेगा कि हर चीज को अपने लावे की तरह बहा के ले जाएगा। कौन लावा बनेगा? कौन शहर के अंदर आतिशफशां बन के नमूदार होगा? ऐनुद्दौला ने फिर बड़ी तेज निगाहों से अबू ताहिर की तरफ देखा, अबू ताहिर की तरफ देख कर पूछा। अबू ताहिर फिर बोल पड़ा, देखो ऐनुद्दौला, जब मैं और अंज दोनों समरकंद से निकलकर ख्वारज़म की तरफ चले जाएंगे तो फिर याद रखना, किसी न किसी तरह सुल्तान मलिक शाह सुलजोकी को समरकंद में उठने वाली बगावत की खबर हो जाएगी और फिर सुल्तान आंधी और तूफान की तरह उठेगा और हर चीज को अपने सामने उड़ा के रख देगा। इस बार वो सख्ती से भी काम लेगा, इसलिए कि वो समरकंद में उठने वाली आए दिन की बगावतों से पहले ही नाला हो चुका है। यहां तक कहने के बाद अबू ताहिर खामोश हो गया। जानबूझकर वो अंज के सुल्तान की तरफ जाने के मंसूबे को छुपाते हुए ये कह गया था कि अंज उसके साथ ख्वारज़म का रुख करेगा। कुछ देर तक खामोशी रही, इसके बाद बड़ी बेबाकी, बड़ी जुर्रतमंदी का इजहार करते हुए ऐनुद्दौला कहने लगा, अबू ताहिर, अब हालात पहले जैसे नहीं है। इस बार अगर हम सलजूकी सुल्तान मलिक शाह के खिलाफ बगावत कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ कर कर रहे हैं। इस बार सुल्तान अपने लश्कर के साथ समरकंद पर चढ़ दौड़ा तो उसको नाकामो नामुराद लौटना पड़ेगा। तुम और अंज दोनों अपने मंसूबे पर अमल करो और तुम दोनों समरकंद से ख्वारज़म की तरफ जा सकते हो। इसके साथ ही ऐनुद्दौला अपने नायब गाजान हरबी के साथ वहां से उठकर चला गया था। उसके साथ गुफ्तगू की इत्तला अबू ताहिर ने अमीर अंज को कर दी थी। इसके नतीजे में वो समरकंद को छोड़कर ख्वारज़म की तरफ चला गया, जबकि शहर के अंदर नमूदार होने वाले
बगावत से सुल्तान को आगाह करने के लिए अंज समरकंद से सुल्तान की तरफ कूच कर चुका था।